सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग का एक नए एडवेंचर में। अभी फिलहाल हमारा करंट लोकेशन है केलोंग, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश सीरीज में एपिसोड 2 नंबर 2 में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। तो अभी फिलहाल मैं पिछले 4 दिन से केलोंग में रुका हुआ था। एक मुझे साइकिलिस्ट मिल गए जिनका ये घर था, और इनके ये कुछ सेटअप थे। आप देख सकते हो ये भी काफ़ी फॉरेन टूर, मतलब बहुत घूम चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ का जो नज़ारा है ना भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो आप ये देख सकते हो। तो अभी फिलहाल हम 4 दिन से पिछले दिन मतलब पिछले 4 दिन से यहीं पे स्टे किए हुए थे, और आज हम निकलेंगे रोहतांग पास, अटल टनल। तो अटल टनल हम कैसे पहुंचेंगे, मतलब कैसे, क्या चीज़ें हैं अटल टनल की। एक खास बात और है कि अटल टनल को जब वो टनल नहीं बना था तो उसको बोला जाता था लैंड ऑफ डेड बॉडी। मतलब वहाँ पे जो लोग भी जाते, मतलब बहुत ठंडी, बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो रहस्य थी, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल हम पिछले 4 दिन से इस बेट पे थे, और यहाँ पे ये रॉ किचन। अभी फ़िलहाल हम ऊपर चलते हैं, ऊपर से भी काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे दिखते हैं। तो आइए हम चलते हैं ऊपर। तो गाइस, ये रहा केलोंग का व्यू पॉइंट। आप देख सकते हो इन खूबसूरत वादियों के बीच में मैं पिछले 4 दिन से स्टिक हुआ था। और ये रहा केलोंग सिटी, और ये वाला जो रास्ता है ये पूरा मनाली, रोहतांग मनाली जाएगा ये वाला रास्ता। अभी पिछले 2 दिन मैंने न्यूज़ में देखा कि मनाली और चंडीगढ़ के रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है 2 दिन पहले। तो 2 दिन मैं यहाँ पे स्टे कर लिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हालांकि अब आई थिंक वो सही हो चुका है, और वेदर भी काफ़ी आज खूबसूरत सा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वादियाँ काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो हमारी जर्नी कैसी लग रही है? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। और अभी हमारी जर्नी यहाँ, आज यहाँ से 77 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है मनाली। देखते हैं आज कवर कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ से मैं मुश्किल से 11 या 12 बजे के आसपास निकलूँगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे। क्योंकि अभी मैं थोड़ा यहाँ पे लंच करके ही निकलूँगा, रास्ते में कौन खाना बनाने जाए यार, तो इसीलिए। और हाँ, ये जो रिवर है ना, ये एक इस रिवर का नाम है भागा रिवर। और इधर मतलब ये ना केलोंग लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है, और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का ये कैपिटल है केलोंग। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, जगह है ये। आप यहाँ पे जब भी आते हो तो ज़रूर मोस्टली 1-2 दिन स्पेंड करो, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत पीसफुल जगह है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे गोम्पा के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये केलोंग। तो एक गोम्पा उधर भी है, और एक गोम्पा इस पहाड़ के पीछे भी है, जो कि 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के पीछे है। ये आप देख सकते हैं पीछे की वादियाँ। तो आइए अपना सामान फटाफट हम समेटते हैं, फिर यहाँ से अपनी जर्नी को लेके मनाली की तरफ निकलते हैं, रोहतांग पास। जब हम बारालाचा क्रॉस करते हैं ना, तो उसके बाद पूरा मनाली तक डाउन है। उसके बाद मतलब बराबर रोड आ जाएंगे, मतलब क्लाइंबिंग बहुत कम रहेगा यदि आप लाहौल स्पीति काजा की तरफ जाते हैं। ये तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है केलाऊं, तो आप उधर काजा की तरफ जाएंगे तो थोड़ी बहुत क्लाइंबिंग मिलेंगे। लेकिन उधर क्या ना कि रोड बहुत ऑफ रोड है, प्लस उधर आज भी डेवलप नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, रोड भी अच्छे नहीं है, बहुत सारे बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, वो भी काफ़ी डेंजर डेंजर। तो अगर लाइफ में एडवेंचर चाहते हो तो मोस्टली यू हैव टू विजिट देयर नाउ। तो इधर आप पिछले कुछ समय पहले जो बाढ़ त्रासदी लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसका असर आप देख सकते हैं, अभी काफ़ी कुछ बन रहा है। नेचर नेचर हमें बहुत कुछ सबक सिखा रहा है, लेकिन हम सबक ले नहीं पा रहे हैं, क्या करें। ये देखो लैंडस्लाइड इधर पूरा हुआ था, ये आप देख सकते हो मंजर, दर्दनाक मंजर, जो कि हमें रुकना नहीं चाहिए यहाँ पे। नहीं तो अपनी जिंदगी भी दर्दनाक। रोड भी फट गया यार लैंडस्लाइड, मतलब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को काफी लॉस हुआ इस बार, ज्यादा इस बार फिर से। तो अभी ये आप देख सकते हैं सिंकुला पास, और ये आप देख सकते इधर अभी भी स्नो नहीं गला हुआ है। और ये वाला रास्ता
टांडी चला जाता है ऊपर वाला, तो हमें टांडी नहीं जाना है, हमें जाना है रोहतांग अटल टनल। तो आइए चलते हैं अटल टनल। तो यहाँ से है अटल टनल रोहतांग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, खोकसर 36, मनाली 63, रोहतांगला ये कोई टॉप है क्या भाई, सीसु 23 पे है। तो अभी हम भागा रिवर के साथ साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। तो हाँ जी, अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूँ चंद्रभागा संगम व्यू पॉइंट पे। इधर से भागा नियर रिवर आ रही है जो कि केलोंग होते हुए, जिस्पा केलोंग होते हुए, और इधर से चेनाब रिवर आ रही है जो कि मनाली होते हुए आ रही है ये रिवर। तो ये दोनों नदियों का यहाँ पे संगम हो रहा है, जिस संगम का नाम रखा गया है चंद्रभागा संगम। अभी मैं टांडी में हूँ और टांडी में दो नदियों का संगम होता है चंद्रभागा संगम। यहाँ पे आप देख सकते हैं महादेव जी का त्रिशूल बीच में है, तो यहाँ पे लोग पूजा भी करते हैं। और जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को ना देवभूमियों की नगरी बोला जाता है। तो आप यहाँ पे आएँ तो थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए, काफ़ी आपको आपके मन को अपने आपके जीवन को शांति मिलेगा। तभी इन वादियों के साथ हम यहाँ पे आएँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से आधा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में यार चलने में बहुत डर लग रहा है, जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है। तो हाँ जी, फिलहाल हम आ चुके हैं शिशु। यार इधर लोग स्प्लेंडर होंडा साइन भी लेके आ जा रहे हैं, क्या आदमी है। और ये आप देख सकते हैं शिशु को कुछ नज़ारे जो काफ़ी बेहद ही खूबसूरत है। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रुकूं कि आगे बढ़ूं। शिशु काफ़ी अच्छा जगह है, एक नाइट स्पेंड भी करने का मन कर रहा है, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि अभी तो 2 बज रहा है, 6 घंटे टाइम है हमारे, देखते हैं क्या होता है। तो काफ़ी दिनों बाद गांव जैसी फीलिंग आई, ये आप देख सकते हैं अब चारों तरफ घर है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने। तो लद्दाख में क्या था कि एक प्रॉपर प्लेस होता था जहाँ पे मतलब काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, वहाँ पे हम रुक सकते हैं। लेकिन यार हिमाचल में ना हर जगह ही खूबसूरत नज़ारा, हर जगह ही अच्छा जगह जहाँ पे हम कैंपिंग कर सकते हैं। अब उसको लेके मैं बहुत उलझन में फंसा हूँ कि यार यहाँ पे रुकूँ कि 10 किलोमीटर बाद रुकूँ कि अभी रुक जाऊँ। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। लाहौल में पधारने के लिए धन्यवाद। तो ये रहा लाहौल एंट्रेंस पॉइंट, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये यहाँ का। तो जो यहाँ से अटल टनल है ना, जस्ट 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके बाद अटल टनल के आजू बाजू रुकने नहीं देते हैं। 9 किलोमीटर का जो अटल टनल का अंदर का डिस्टेंस है, पूरा बराबर रोड है, उसको हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद फिर 20 किलोमीटर की पूरी डाउन है जो कि पहुंचाएगा हमें वो मनाली। तो आइए चलते हैं अटल टनल। तो अभी यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग मिल गया है, ये देख सकते हैं ये एक गाड़ी आ रही है। ये जो बीच से आ रहा है ना, ये देखिए इसका ज़्यादा चक्का नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे गया हल्का सा, हाँ आ सकता है, धुआं पीछे फेंक रहा है। तो इनका गिर चुका है मोबाइल और अभी हम जा रहे हैं अपने। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अरे अपने प्रभु का नाम ले और हम हमारा रास्ता क्लियर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल।
मजा आ गया अलंग जी, फेवरेट क्रॉसिंग। उनका मोबाइल गिर गया था भाई साहब का। जो सामने वो दिख रहा है वो रहा अटल टनल। यार इस टाइम पे तो कुछ स्नो है ही नहीं, अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो अटल टनल आने से पहले मुश्किल से एक दो किलोमीटर पहले एक वाटर क्रॉसिंग है। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है, आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं उसे। और 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसके कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं अटल टनल के, जो कि हम आपको बताना चाहते हैं कि 29 जून सन 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे तो उन्होंने इसकी मतलब इसको बनाने की एक घोषणा की थी। उसके बाद सन 2002 में बीआरओ को ये सौंपा गया बनाने के लिए। 2009 में मतलब इनॉग्रेशन किया गया सोनिया गांधी थी शायद, सोनिया गांधी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। फिर उसके बाद फी टू व्हीलर कार शादा डेवलपमेंट, उसके बाद सन 2017 में ये बन के तैयार हुआ अटल टनल। वी विल आइदर। हाँ जी, तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं अटल टनल जो कि मनाली से 33 किलोमीटर डिस्टेंस से पहले है। ये है नॉर्थ पोर्टल, आगे हमको मिलेगा साउथ पोर्टल। इसका एल्टीट्यूड है 10,075 फीट की ऊंचाई पे है और इसकी जो लंबाई है अंदर की पूरा 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। हालांकि इन वादियों के साथ और अपने चेतक के साथ हम चलते हैं, आज अटल टनल भी हम पहुंच चुके हैं। मज़ा आ रहा है, मज़ा। तो हाँ जी, फाइनली हम एंटर करते हुए अटल टनल, जिसकी इसकी स्पीड है फोर ट्रक के लिए 40 किलोमीटर पर आवर और कार के लिए 50 किलोमीटर। हमारे लिए तो अनलिमिटेड है, वैसे हम 40 की स्पीड से नहीं जा सकते। तो इसमें कुछ ना वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है बस मैं अकेले चल रहा हूँ, वर्कर वगैरह सब लोग। तो फाइनली 500 मीटर बचा हुआ ये टनल, और टनल के अंदर बहुत ठंडी थी, मेरा हाथ पूरा सिकुड़ गया है। नहीं भाई, इसी तरह अटल टनल को लाइट ऑफ डेड बॉडी नहीं बोला जाता है, ठंडी बहुत रहती थी। तो ये आप देख सकते हैं अटल टनल रोहतांग, जिसकी हाइट है 10,400 फीट और मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट करके आ चुका है। लेकिन अंदर क्या था ना, बहुत ठंड था, हाथ मेरा पूरा कांप चुका था, प्लस एक ही टी शर्ट पे था, कान भी पूरा ओपन था, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन फिलहाल बहुत मज़ा आया, मज़ा आ गया, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारे यहाँ का। तो अभी फिलहाल यहाँ से पूरा 20 किलोमीटर का डाउन है जो कि पूरा मनाली तक है, तो चलते हैं मनाली। तो हाँ जी, ये रहा अटल टनल के नॉर्थ क्रॉस करने के बाद, मतलब अटल टनल को क्रॉस करने के बाद ये पूरा विंटर वाली फीलिंग आ रही है भाई। साइकिल थोड़ा तेज चलने लगता है ना तो डर सा हो जाता है, क्योंकि ब्रेक है नहीं मेरे पास, आगे वाला ब्रेक है वो भी आगे वाला टायर बहुत तेज के स्लिप करता है, तो थोड़ा डरना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा, पूरा विंटर। हालांकि विंटर रहता तो क्या ही कहें, इस मुझे थोड़ा मतलब आशंका थी कि अगर स्नो मिलता तो मज़ा आता, प्लस मतलब क्या बताएं, उम्मीदों पे पानी फिर गया। कोई नहीं, चलते हैं। तो ये देखिए कुछ है फ्लड का असर, लेकिन अब पूरा यहाँ से 19 किलोमीटर बचा हुआ है मनाली। लेकिन आज मैं मनाली में स्टे नहीं करूँगा, मैं सोलैंग में स्टे करूँगा। लेकिन इधर की वादियाँ काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, पूरा डाउन है, ब्रेक तो है नहीं, डर लग रहा है। तो हमें मिल चुका है बर्फी, जो कि एक भाई साहब ने हमें दिया, और ये मेरा फेवरेट स्वीट है बर्फी, काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से ये पकड़ना, तो
कौन से हाथ से खाऊं, भगवान ने 3 या 4 हाथ थोड़े दिए, तो रखता हूँ फिर खाता हूँ। तो हाँ जी, हमारी नाइट स्टे यहाँ पे हुई थी, एक मतलब कोई डिफेंस जैसे कैंप है। नो गो देयर, देखते हो इसका पूरा रात लग रहा है घोड़ा को बेचारे। तो आज हम चलेंगे मनाली, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है और पूरा डाउन ही है। पिछले दिन मेरा हो गया था, चोट लग गया था और पूरे घुटने में भी, और आप इधर भी देख सकते हो, मतलब गिर गया था पिछले दिन, तो उसकी वजह से उसके बाद मैं थोड़ा थक गया, डिस्टर्ब हो गया, तो ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाया। तो आज हम चलते हैं इन वादियों को छोड़ के मनाली की तरफ। तो जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जैसे मनाली में एंटर करेंगे ना तो गर्मी चालू हो जाएगी अच्छी खासी, जैसे कि अटल टनल से पहले बहुत धूप था, वेदर अच्छा था, अटल टनल के बाद पूरा विंटर वाला मौसम आ गया, धूप ख़त्म, फॉग ही फॉग, थोड़ी थोड़ी बारिश भी चालू हो गई, रात में फिर बारिश भी होने लगी थी, तो बारिश की वजह से मैं यहाँ पे ये छाता लेके आ गया। तो यही थी जर्नी, आइए निकलते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, और ये रहा हमारा बेटा।